पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूरा देश गणतंत्र दिवस को धूमधाम के साथ मना रहा है। इस वर्ष का गणतंत्र हम सभी के लिए खास तब हो जाता है जब दिल्ली के राजपथ पर प्रदर्शित हुई झांकियों को देखते हैं। देश को मजबूत करने वाले आर्म्स को देखकर लगता है कि आज देश मजबूती की ओर है और आगामी दिनों में देश मजबूत होगा। इसी तरह इस बार नगर निगम मुरादाबाद का गणतंत्र दिवस भी कई मायनों में खास रहा। शहर को स्मार्ट बनाता विभाग और सुदृढ़ ढांचा निगम की कार्यप्रणाली को खास बनाता है। नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल के साथ नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त की संयुक्त टीम मिलकर महानगर को एक नया मुरादाबाद बनाने में लगी है, जिसकी झलक अब दिखने भी लगी है। आज 75वें गणतंत्र दिवस पर नगर निगम के मुख्य ऑफिस पर झंडा फहराया गया। इस दौरान नगर आयुक्त संजय चौहान ने सभी को गणतंत्र दिवस पर ली जाने वाली शपथ के कई मायने समझाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम किसी भी शपथ की शुरुआत करते हैं तो उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि पूरा देश ही हमारा है और हम भारत के लिए समर्पित हैं। नगर आयुक्त की ये बात सुन सभी मौजूद दर्शक तालियां बजाने लगे। इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल ने भी सभी को गणतंत्र का महत्व समझाया और सभी को शुभकामनाएं दी। नगर निगम में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त श्री संजय चौहान जी, जिनके लिए और मेरे लिए परम गौरव का दिन है कि छठी बार लगातार श्री संजय चौहान जी यहाँ पर ध्वजारोहण कर रहे हैं और ये आपके जीवन के लिए और आपके कार्यकाल के लिए भी हम सब मुरादाबादवासी आपको सदैव स्मरण रहेंगे। आप बार बार कहते हैं हम रहे ना रहे, पर हम सब रहेंगे। हमारी सबकी स्मृतियां सदैव यहाँ पर रहेंगी और हमारे द्वारा किए हुए कार्यों को सदैव यहाँ के महानगरवासी याद करेंगे। ऐसे कार्य हम कर चले कि लोग हमें, हमारे निशानों को याद करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। साथ ही यहाँ पर मौजूद हमारे अपर नगर आयुक्त महोदय, मेरे सभी पार्षद बंधुओं, नगर निगम के अधिकारी बंधुओं, सभी मेरे कर्मचारी बंधुओं और पत्रकार मित्रों, बहुत गौरव का दिन होता है, बड़ा उत्साह होता है, उमंग होती है कि हम अपने गणतंत्र दिवस को अपने नगर निगम पे और अपने शहर में, अपने देश में मना रहे। हमारे नगर एक महोदय ने कहा कि संविधान जो इसके एक एक शब्दों की परिभाषा है, इसके एक एक शब्द का मतलब है, इसीलिए आज दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पे भारत के लोकतंत्र को माना जाता है। क्या है, यहां कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर साल इसकी शपथ लेते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय सबसे पहले प्रीएम्बल को पढ़ा और समझा जाता है। मुझे नहीं लगता कि जिस शपथ को हम बार बार लेते हैं और ये प्रण लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा ही करेंगे, उस शपथ को हम समझते भी हैं क्या। मैं बहुत संक्षेप में, चूंकि समय का अभाव है, दो तीन इसके मूल तत्व तो आपके सामने एक बार दोबारा से रखूंगा आसान शब्दों में, ताकि हम समझ पाए कि वास्तव में हमारे संविधान की आत्मा है कहां पर। अभी हमने शपथ ली, उसमें सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग, ये नहीं कि मैं, हम भारत के लोग। लिखा हुआ यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नागालैंड त्रिपुरा से लेकर के हिमाचल के दूरस्थ गांव तक, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हो सकता है, हम
हम भारत के लोग सभी एक जैसे हैं और सभी एक हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। इंग्लिश में कहा जाए हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, अपने आप हम इसको अंगीकृत कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।